नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल ओडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। मोबाइल के कॉल डिटेल से किया पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। बता दें कि खबर मैनपुरी से है। विगत 22 अक्टूबर को थाना कोर्रा क्षेत्र के बलंदा नहर पुल के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा जनपद इटावा के थाना चौबिया के गाँव नगला दलजीत निवासी राजेश कुमार की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने गहनता से जांच की तो मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल से हत्या का सुराग पुलिस के हाथ लगा, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जनपद इटावा के थाना सैफई के गांव नगला नथू निवासी शैलेंद्र यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो गिरफ्तार अभियुक्त शैलेंद्र यादव ने हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्त शैलेंद्र यादव ने बताया कि उसके घर के सामने एक विधवा महिला रहती है जिससे उसके प्रेम संबंध थे। उसी महिला के मृतक राजेश से भी प्रेम संबंध थे। इसी बात को लेकर उसने राजेश की हत्या को अंजाम दिया और अभियुक्त शैलेंद्र यादव की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त शैलेंद्र यादव को जेल भेज दिया है। खास रिपोर्ट देखिए आमिर अली के साथ। मामला खुलासा हुआ है, किस तरीके से रावण हुआ और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया था? अभी 22 अक्टूबर को एक राजेश यादव, उम्र करीब 45 वर्ष होगी, इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी। कुर्रा में इनका हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें जो हत्या अभियुक्त था शैलेंद्र यादव, मैं अलाकतल तमंचा गिरफ्तार हुआ आज और उसने पूरा घटना में अपना जुर्म कबूल किया है। घटना के पीछे जो वजह बताई गई, एक महिला को लेकर हत्या हुई थी और उस महिला से संपर्क न कर सके और या इसके संपर्क में बाधक न बने, इसलिए उसने यह प्लान करके उसकी हत्या की।